पूरा कंट्रोल रहता है गाड़ी का आपके पास, इवन एट हायर स्पीड्स। क्या बात है, देखिए जरा सा भी रोल नहीं है, जरा सा कितना प्यारा कंट्रोल है यार इस गाड़ी। इसमें एक्सेलेटर पेडल ट्रक की तरह दिया हुआ है, जबरदस्त। ये गाड़ी ऐसी है कि आप अपने मन के हिसाब से, मूड के हिसाब से चलाओगे तो आपको निराश नहीं करेगी। आप देखिए, जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं कि दी गई ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें संपर्क करिए, और चैनल के अंदर पहली बार यति जो है वो हमारे पास आई है। ये अर्चित जी की गाड़ी है, इन्होंने हमसे संपर्क किया, और ये गाड़ी जो है ये 2013 वेरिएंट है। तो अर्जित जी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे सभी दर्शकों के साथ में अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करेंगे। वैसे एक बात बताऊं कि मेरी भी एक फेवरेट गाड़ी रही हुई है ये गाड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कोडा येति कितना देती है और कितना लेती है, सारी चीजों के आज सारी चीजों के बारे में आज पता करेंगे अर्जित जी से। जी हाँ बिल्कुल। तो अर्जित जी, ये आपने मतलब कि कितने में ली थी ये गाड़ी? सर ये मैंने प्री ओन्ड गाड़ी ली थी, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, तो मैंने ये करीब करीब 7 लाख के आसपास में ली थी। कितनी चली हुई ली थी आपने? सर उस टाइम ये 39,000 समथिंग चली हुई थी। मैं आपको बात बता दूं कि ये 2 लीटर इंजन के अंदर आती है, लगभग 250 Nm का टॉर्क निकालती है और 108 BHP का जो है वो पावर निकालती है। ऑलरेडी ये जो है आपका यूरो NCAP के अंदर 5 स्टार लेकर के आ चुकी है गाड़ी, तो सेफ गाड़ी है। अच्छा आरसी जी, ये बताइए कि आपने एज ए यूज कर ली, लेकिन ली कब थी ये? वैसे 2013 का मॉडल है ये, ली कौन से सन में थी आपने? मुझे अभी इसको यूज करते हुए 4.5 ईयर्स हो गए हैं, लगभग 4.5 साल हो गए। आपको डर नहीं लगा उस टाइम? तो और भी ज्यादा खतरनाक हालत थी स्कोडा से, सभी लोग डरते थे उस टाइम। एक्चुअली मैं एक मतलब ओल्ड टाइम स्कोडा फैन रह चुका हूँ। अच्छा, तो मेरे इससे पहले भी मेरे पास फैबिया है जो मैंने काफी यूज किया, और मेरे फादर यूज कर रहे हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ के पास भी फैबिया है, मेरे ताऊजी के पास भी, उन्होंने भी काफी फैबिया यूज की है। तो एज ए फैन ऑफ दैट कार, तो उस टाइम पे जब हम एक नई कार लेनी थी तो मैंने कई कार्स कंसीडर की। डस्टर मेरे को काफ़ी हमने शॉर्टलिस्ट की कि ये ले सकते हैं, बट समहाउ उसका डिज़ाइन थोड़ा सा ओल्ड लग रहा था, या वो थोड़ी काइंड ऑफ इतनी न्यू इनोवेटिव डिज़ाइन नहीं था उसका। तो फिर देन आई थॉट बेटर टू टेक रिस्क कि एक बार प्री ओन्ड में चले जाते हैं। हालांकि मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ी थी, माई वाइफ वॉज ऑल्सो नॉट विलिंग कि प्री ओन्ड लेते हैं, पेरेंट्स भी कह रहे थे कि प्री ओन्ड नहीं लेते हैं। फिर मैंने एक चांस लिया और I got a good kind of, you know, product. लगभग 4 साल में इन्होंने लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास चला दी है, और अभी तक का एक्सपीरियंस इनका अच्छा है। अभी हमारी बातचीत हुई थी काफ़ी इनसे पहले, तो ये जानना चाहेंगे कि स्कोडा से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है उसका, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? यस, सर्विस कॉस्ट थोड़ा हाई है, इसके सारे पार्ट्स प्रीमियम साइड पे हैं, पार्ट्स की कॉस्ट ज़्यादा है। रेगुलर सर्विस वेन नो पार्ट इज चेंज्ड, और कुछ भी अगर आपका एडिशनल काम नहीं है तो करीब करीब 12,000 रुपये के आसपास आप लगा के चलिए। कोई भी और कुछ एडिशनल काम होता है तो उसके हिसाब से ही खर्चा होता है, बट इट्स आई वुड से इट्स वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि जो ड्राइविंग क्वालिटी है, सेफ्टी आई वुड से सबसे बड़ा फैक्टर है, और ऑन रोड ब्रेक डाउन मैंने इसका कभी नहीं देखा है, मतलब बहुत रेयर होगा मेरे हिसाब से ब्रेक डाउन होना, तो वैल्यू फॉर मनी कहूँगा मैं इसको। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। पार्ट्स मिल जाते हैं बाहर, कभी करवाने की आपने सोची कि भाई स्कोडा वाले तो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्यों ना मैं थोड़ा सा बाहर कोशिश तो सभी लोग करते हैं एक बार जानने की। एक दो वर्कशॉप्स हैं, मतलब जैसे यहाँ सेक्टर 17 के आसपास एक दो वर्कशॉप्स हैं जो कि इस टाइप की गाड़ियों में या इम्पोर्टेड ब्रांड्स में डील करते हैं, उनके पास पार्ट्स होते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई थॉट 5-10% बचाने के पीछे क्यों रिस्क लिया जी। हम लोग ये जानना चाहेंगे ये आपकी डेली ड्राइवर है या फिर आप इसे एज ए सेकेंडरी कार यूज कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, दिस इज माय प्राइमरी कार, डेली ड्राइव करता हूँ मैं इसको, बिल्कुल ऑफिस गोइंग में भी, और कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना हो या इवन फॉर लोकल आई मीन आपको ग्रोसरी शॉपिंग की भी करनी हो विद इन डिस्टेंस ऑफ से 1 or 2 किलोमीटर्स, तो आई यूज दिस कार। हमने काफ़ी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जो हमारे VW के कस्टमर थे वो दोबारा से VW ही लेकर के आ रहे हैं, जो स्कोडा के हैं वो स्कोडा ही लेकर के आ रहे हैं। आपको दूसरे ब्रांड में सेफ्टी नहीं दिखती क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्रांड में सेफ्टी नहीं है। मुझे लगता है VW इज़ डेफिनेटली यू नो ए वेरी सेफ ब्रांड, डस्टर ऑल्सो कार इज़ वेरी हैवी एंड क्वालिटी इज़ गुड, बट हाँ मतलब स्कोडा से मुझे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था फैबिया का, और एक जो एक कंफर्ट मिलता है और एक सॉलिड फील आती है, तो इसके लिए ही मैंने इसको, और मेरे को काफ़ी इसका क्रेज़ था इस कार का पहले। इसके अलावा जैसे आपने चलाई है 30-40 हज़ार किलोमीटर आपने चलाई है, ठीक है, आप जब दूसरी गाड़ी चलाते हो तो कैसा फील आता है आपको?
ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब, पर थोड़ा लाइट, काफी लाइट लगती हैं वो गाड़ियाँ, काफी लाइट लगती हैं वुड से। मैं तो थोड़ा सा नकली नकली चीज बोलता हूँ उस चीज को कि नकली नकली सौदा लग रहा है, थोड़ा सा खालीपन और थोड़ा सा सॉलिड किसी चीज में नहीं बैठे। प्लास्टिक क्वालिटी और बाकी जो इक्विपमेंट क्वालिटी है तो वो मतलब थोड़ा सा एक लेवल नीचे लगती है बाकी कार्स में। एक बात बताओ, आपसे पूछता हूँ कि कोई बंदे के पास अगर 5-6 लाख का बजट है, वो नई गाड़ी को लेना चाहिए उसको बंदे को, टियागो टाइप से या कोई इतने में ही आएगी नई गाड़ी, या फिर इस टाइप की गाड़ी में कौन सी महंगी पड़ेगी उसको मेंटेन करने में? मेंटेन करने में डेफिनेटली इस टाइप की प्री ऑन्ड कार थोड़ी महंगी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वैसे ही थोड़ी सी इनकी सर्विस क्वालिटी, सर्विस कॉस्ट हाई है बिकॉज ऑफ द पार्ट्स एंड अदर थिंग्स। और सेकेंडली ये है कि अगर आप ये ऐसी कार को 40,000 या 50,000 किलोमीटर के बाद लेते हैं, तो 5-6 किलोमीटर के बाद बहुत चीज़ें उनकी सर्विस जो उनकी चेकलिस्ट है उसमें मेंशन होती है कि 60,000 किलोमीटर के बाद ये चीज़ चेंज होगी, वो चीज़ चेंज होगी, तो यू विल टेंड टू फॉल इन दैट साइकिल। तो इसलिए मे बी वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और नई गाड़ी जैसे आप लेते हैं तो पहले 50,000 किलोमीटर या 5-6 साल तक तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मज़ा किस में आएगा? सी, अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर हैं तो आई वुड से गो फॉर ए न्यू कार, बिकॉज आपको पूरी ओनरशिप का वो पूरा टेस्ट देगी, पूरा जूस देगी उसका, सरदर्दी भी नहीं रहेगी, सरदर्दी भी नहीं रहेगी। हाँ, और आपका वो जो फील है ना वो, और अगर आप एक लेवल पे जा चुके हैं, आपको पता है पार्ट्स के बारे में, थोड़ा नॉलेज आ गया है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कार्स। आप इसको अच्छे से रखिए और इनको पैम्पर कीजिए, मे बी यू नो यू हैव दैट नॉलेज कि क्या गुड टू हैव और क्या मस्ट टू हैव है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था सेकंड हैंड लेने का? मेरा एक्सपीरियंस, जितना मैं पहले अप्रिहेंसिव था सेकंड हैंड कार लेने में, उससे आई वुड से इट वाज मच बेटर। आपको गाड़ियों की नॉलेज थी या स्कोडा को ऐसे ही उठा लिया था या किसी से पूछा था मैकेनिक से या कि भाई ये गाड़ी लेऊं कि ना लेऊं? मेरा फ्रेंड है रोहित, उससे मैं काफ़ी डिस्कस करता रहता हूँ। उसके पास VW है, वो भी काफ़ी सीजन ओनर है VW का, तो उससे बात करके काफ़ी डिस्कस करता रहता था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था मुझे कि हाँ कोई इशू नहीं है, ऐसी कार ले सकते हैं हम। और इसको जब मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया तो डेफिनेटली आई कंसल्टेड द स्कोडा डीलरशिप, लोकल स्कोडा डीलरशिप, तो उन्होंने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। अगर इस टाइप की आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो ना, तो वहाँ पर स्कोडा के अंदर एक मैकेनिक पकड़ लो, उसको बाहर मिलो और कह दो भाई मैं आपको एक गाड़ी दिखा देता हूँ, उसका पूरा बता दो हिसाब किताब, वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। डीलरशिप से आप हिस्ट्री भी पता करवा सकते हो, ठीक है। अभी तक की सबसे कॉस्टली सर्विस आपको कितनी पड़ी है इसकी? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इट वुड बी 15-16,000, 15-16,000। माइलेज कितना देती है? माइलेज ये सिटी में टैंक टू टैंक मैंने मेजर किया है, और गुड़गांव का ट्रैफिक आप जानते हैं कितना नोटोरियस है, कहीं पर भी जाम मिल जाता है, कहीं पर भी कैसे साइबर सिटी में या इधर ओल्ड सिटी में भी, तो मुझे प्योर सिटी ड्राइविंग में ये एटलीस्ट 13.5-14 दे रही है। और हाईवे पे इट कैन गो एज पर योर ड्राइविंग स्टाइल, बट यस, हाँ 18+ आराम से मिल जाएगा आपको। हाईवे में आपने कितना लंबा इसको चलाया है, कहाँ तक आप लेके गए? हाईवे में इसको मैंने बहुत लंबा चलाया है, मैंने सेम डे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे जाना पड़ा था, तो मैंने सेम डे अजमेर टू एंड फ्रो भी किया गुड़गांव से। अच्छा। तो इट्स वेरी कम्फर्टेबल और उसमें कोई हैसल नहीं है। वैसे आपको बता दें कि 20+ भी निकाल सकती है हाईवे पे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ग्राउंड क्लियरेंस 180 है, कभी इशू आया इसके साथ? नहीं, ये ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मैं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, मैंने बहुत मतलब फ्री स्टाइल ऑफ रोडिंग तो नहीं की है इसकी, बिल्कुल इसको बड़े बड़े रॉक्स के बीच में ले जाऊँ जहाँ पर ये इशू आ सकता है, बट हाँ ये एक ऑप्टिमम ग्राउंड क्लियरेंस है। एल्डर पीपल को इसके अंदर घुसने में इससे ज़्यादा असुविधा भी नहीं होती है, और इससे आपका जो नॉर्मल यूजेज में जितना भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी फुलफिल हो जाती है। फालतू का बॉडी रोल भी नहीं होगा, बॉडी रोल नहीं है। ये बात है, ये वैसे टू व्हील ड्राइव है हम आपको बता दें, तो एक बार इस गाड़ी को चला करके देखते हैं। जो भी अर्चित भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बात बातों में हमने आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया, नई गाड़ी पे जाना चाहिए, पुरानी इस टाइप की लेनी चाहिए, इस टाइप की लेते हो तो क्या आपको चेक करनी चाहिए और कैसे आप चेक करोगे, किन के थ्रू, ठीक है। तो एक बार इस गाड़ी को चला करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि हमें कैसी लग रही है ये गाड़ी। बिल्कुल सही कह रहे थे कि बिना खेव के, मतलब कि बिना किसी परेशानी के आदमी अंदर बैठ जाता है और उतर भी जाता है। पहले सबसे पहले इस गाड़ी को मैं आपको चला करके स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आप हमेशा फोर्थ गियर में खड़ी करते हैं क्या? सेकंड? हाँ, मेरे भाई देखो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अब ये गाड़ी स्टार्ट है।
तो काफी दिनों बाद जो है फेवरेट गाड़ी चलाने को मिली है। आपको बताते हैं कि चल कैसी रही है। मेरे को लग रहा है अर्चित जी एसी की जो है ना वो सर्विस होएगी या जो भी है। हाँ, थोड़ा कूलिंग थोड़ी सी कम है। कितना बढ़िया ड्राइविंग पोस्चर है यार। ठीक है, पूरा का पूरा आपको बोनट ऐसे दिखाई दे रहा है यार, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। और साथ में आपको जब इस टाइप का इंजन हो, देख रहे हो, कृपया आप भी देखें। ये इंजन सिर्फ धाड़ता नहीं है, ये इंजन जो है ना वो अपना प्रॉपर काम भी करता है उस टाइप। ये तो शायद हार्ड है यार। स्टेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हॉर्न की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, चलने में भाई साहब बहुत बढ़िया मजेदार रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का। 100 की स्पीड के आसपास चल रही थी और पता नहीं चलता कि आप 100 के आसपास चल रहे हैं। अच्छा खासा वेट है भाई साहब इसके स्टेयरिंग के ऊपर ना। और एक बात है इसकी कि जितना आवाज ये बाहर करती है ना उतना आपको अंदर फील नहीं होती है। लेकिन समय के साथ साथ जो है इसके भी ये लाइटें चली गई है। यहाँ पर भी लाइट नहीं आ रही है और यहाँ पर MID के अंदर भी कोई लाइट मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, वो वाले ठीक है, उसमें एक्चुअली अभी ऑफ कर, MID थोड़ा वीक है। फोर्थ फिफ्थ तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर सिक्स गियर भी होना चाहिए था। आपको भी ऐसा लगता है? राइट। अच्छा, स्कोडा का जो सर्विस के हिसाब से क्या कुछ आप कहेंगे, कैसी है सर्विस? आपसे जैसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि टाइम के साथ साथ काफी सुधार आया है उसमें। हाँ, सर्विस का काफी डेफिनेटली काफी बेटर हुई है पहले से। इनका जो फीडबैक मैकेनिज्म है दैट इज वेरी रोबस्ट। सर्विस के बाद आई मीन दे टेंड टू कॉल यू सेवरल टाइम्स। आपके इनके हेड ऑफिस से भी कॉल आता है, आपके पास लोकल डीलरशिप से भी कॉल आता है। और अगर आप इनकी रेटिंग थोड़ी सी भी कम दे दें, आई मीन ऑन अ स्केल ऑफ 10 से इफ यू गिव 8 और बिलो, तो ये आपको बहुत बक करते हैं उसके बाद कि क्या रीजन है, हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या क्या आप दोबारा ला सकते हैं कार को। या तो मतलब कि बंदा जो है वो डर के मारे इनको 8 से नीचे दे ही ना, इतना परेशान करते हैं। तो और उसके बाद ये मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर छोटा मोटा कोई फॉल्ट हो तो अगर आप मारुति, जैसे मेरे पास पहले हुंडई भी थी, तो मारुति और हुंडई वगैरह में आप अगर उनको उसको सॉर्ट आउट करवाना चाहेंगे ना तो वो आपको वो थोड़ा सा बाईपास करने की उनकी नेचर रहती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, दे विल स्पेंड देयर टाइम, दे विल डिग डाउन ऑन दैट फॉल्ट एंड वुड डेफिनेटली एंड शॉर्ट रिजॉल्व इट। क्योंकि भीड़ नहीं है ना वहाँ पर, सारे काम इत्मीनान से किए जाते हैं। मेरे एक जानकार के पास ये गाड़ी भी थी, Q3 भी थी, वो उसको साइड में रख करके इसको चलाना प्रेफर करते थे। वो कहते थे यार जो मजा इस गाड़ी में है ना उसमें नहीं आता है भाई मजा मेरे को। जो कि आप भी अगर चलाने का मौका मिले ना तो आप फील करोगे इस चीज को। ये कार एक्चुअली ऑडी की सिस्टर कंपनी की ही कार है जैसे कि, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि VW और ऑडी में कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बॉक्सिंग आती है, केसिंग आती है पार्ट्स की, उसमें तीनों के साइज बने होते हैं। अच्छा, हाँ तीनों के लिखे रहते हैं। लेकिन बात ये भी है कि वो चार्जेस जो है फिर वो ऑडी वाले लगते हैं आपको। इसीलिए यही एक फैक्टर है कि प्रीमियम है पार्ट्स की कॉस्ट और मतलब एडिट प्रीमियम है इसमें। ये गाड़ी ऐसी है कि आप अपने मन के हिसाब से, मूड के हिसाब से चलाओगे तो आपको निराश नहीं करेगी। आप धीरे चला रहे हो तब भी आपको मजा आएगा, तब भी आपको लगेगा यार वाह क्या मजेदार गाड़ी है। जब एक बार आपको झूझा करने का मन करेगा ना, मतलब कि तेज चलाने का मन करेगा, फन टू ड्राइव जो है वो भी ये गाड़ी है, काफी मजा दे देगी आपको। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि स्कोडा वाले हो गए आपके जो है और VW वाले हो गए, तो वो पीछे की सीट में ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ। अगर देखा जाए आगे की सीटें बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन पीछे की सीटें जो बहुत छोटी हैं उसमें थाई सपोर्ट भी अच्छा नहीं है और बैक रेस्ट भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आप बेंच में बैठे हुए। हालांकि ये गाड़ी सब 4 मीटर नहीं है, 4 मीटर से बड़ी है ये गाड़ी, और अच्छा खासा सीटिंग कंफर्ट इसमें मिल सकता था पीछे। बिल्कुल सही। आपने वैसे आज पहली बार बैठ रहे हो या पहले भी बैठे हैं? आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड टाइम ही बैठा हूं।
तो जो इस गाड़ी में पीछे बैठते हैं उनकी कभी कंप्लेन नहीं आई कि पीछे की सीटें इतनी अच्छी नहीं है? नहीं, एक्चुअली इस लेवल की भी नहीं, इतनी भी आई मीन खराब नहीं है कि कंप्लेंट आए, बट यस हां देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट यार। जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है ना उनको ये चीज लगेगी, तो नॉर्मल एवरेज हाइट के बंदों को इतना नहीं लगेगा। स्टीयरिंग मजेदार है वैसे, पूरा कंट्रोल रहता है गाड़ी का आपके पास इवन एट हायर स्पीड्स। क्या बात है, आराम से बैठा। देखिए जरा सा भी रोल नहीं है, जरा सा कितना प्यारा कंट्रोल है यार इस गाड़ी का, तू चलाएगा मजा आ जाएगा तेरे को। मैं आपको बात बताऊं, इस टाइप की फील के साथ, इस टाइप के कंट्रोल के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, अगर कोई नई गाड़ी लेने जाओगे ना, आपको आपको भी अंदाजे के लिए बता देता हूं कि जीप के अंदर जैसा फील होता है ना, वैसा वैसा इसके अंदर आपको फील होगा। थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा और भी ज्यादा अच्छी लग सकती है। चलो अब जो है वो ड्राइवर चेंज करते हैं। अच्छा, जब Yeti का फेसलिफ्ट आया था उसके बाद जो सेल है बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, ऐसा क्या रीजन रहे होंगे आपके हिसाब से? सर एक तो प्राइस पॉइंट, दिस प्राइस पॉइंट पे वो कार आई थी, आई थिंक इंडियन कस्टमर्स वर नॉट रेडी। ऐसा लग रहा है वाली बात, ऐसा लग रहा है कोई मैं हैचबैक चला रहा हूँ अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ। कार का साइज और उसकी लेंथ एक मेजर पैरामीटर है, मेरे लिए उसका कॉम्पैक्ट होना एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। बिल्कुल होना भी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीजें, ये नहीं कि आपने ज्यादा स्पेस दे दिया और उसका कोई यूज नहीं है, आप कट मार रहे हो तो इधर से उधर सरक रहे हो। मैं अपनी अगर बात बताऊं ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी लगती है इस टाइप का साइज जो होता है ना, वो बेस्ट होता है कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए। बस इससे ज्यादा और कुछ मत दो। मेरे को जीप का साइज भी बहुत बढ़िया लगता है। कई लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, नहीं यार मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लगता है, आइडियल साइज है यार इनका ना, और मजा आता है। कुछ टाइम बाद अगर आप ओनर है ना, कुछ टाइम बाद चला करके आप इतने आदी हो जाते हो उस साइज के, आपको मजा आना शुरू हो जाता है। इसका जो इंजन मुझे इसलिए पसंद आ रहा है कि हाई आरपीएम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पावर ड्रॉप नहीं हो रही यार इसमें। इसमें एक्सेलेटर पेडल ट्रक की तरह दिया हुआ है। यस यार, बॉडी रोल बहुत ही कम, ना के बराबर कह सकते हो। हाई स्पीड मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी। सबसे बढ़िया चीज फोर डिस्क ब्रेक, ब्रेकिंग जबरदस्त, ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी लगी चलाने में, काफी मजा आ रहा है इसको चलाने में, ऐसा लग रहा है दिन भर चलाते रहूं। बाकी फालतू की इसमें भसड़बाजी नहीं है, मतलब ये फीचर वो फीचर, एक मजा है चलाने का वो आपको मिल रहा है। प्रॉपर ड्राइवर्स कार है ये, ऐसा नहीं है कि फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो इस वजह से इस टाइप की गाड़ियों को लिया जाए, इस वजह से ये महंगी होगी। ड्राइविंग क्वालिटी मिलती है इस गाड़ी में भरपूर मात्रा में, इतनी ऊंची होने के बाद भी बॉडी रोल ना के बराबर है, हैचबैक टाइप चलती है, मतलब हैचबैक के जैसा ड्राइविंग डायनेमिक्स है, कितनी भी स्पीड में कट मार दो इस टाइप से गाड़ी चलती है। बड़ा इंजन दे रखा है और वो बड़ा इंजन का ये फ़ायदा होता है कि अच्छे मतलब लो आरपीएम में भी अच्छी पावर मिलती है, और साथ के साथ जो है ना आपको जो कहते हैं ना कि हाई स्पीड में मतलब कि जो डीजल इंजन मैक्सिमम गाड़ियों में क्या होता है कि हाई स्पीड में वो मतलब उसकी कुछ आरपीएम के बाद वो स्पीड गेन करना बंद कर देता है, ये हाई आरपीएम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने खींचा था इसको लगभग 4500-5000 के आसपास, फिर भी इसका जो है इसने जो है दम नहीं तोड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपसे पैसे ले रहे थे ना उस टाइम, ठीक है, ये प्योरली ड्राइवर्स कार बनाई गई थी, आपको चलाने में मजा आएगा, क्वालिटी दी गई, वो टच वच वाले फीचर फलाना नेविगेशन वो सारी चीजें ना, उनके ऊपर पैसा नहीं लिया गया आपसे। कुल मिलाकर के कहना यह है कि बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को, बहुत पहले भी बढ़िया लगती थी, तेरा क्या कहना है? जबरदस्त। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, कि महंगी गाड़ी भी आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी अगर प्रॉपर सर्विस आप करवाते रहो तो।
मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, टू व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, ठीक है। आप भी अपनी गाड़ी को फीचर कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो दी गई है ईमेल आईडी, आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, हम भी आप लोगों को यहाँ पर हमारे व्यूवर्स से मिलवाना जरूर चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस भी। थैंक यू सो मच अर्चित भाई, आप थैंक यू गाइस फॉर स्पेंडिंग सम टाइम। ओके, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।